तो इस स्टोरी का नाम है एक था काकरोच। क्या नाम है स्टोरी का? काकरोच। हाँ, एक था काकरोच। तो एक काकरोच था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील, है ना, और सबको, सबकी आज्ञा का पालन करने वाला, है ना, अपने से बड़ों को पंचांग प्रणाम करने वाला, है ना, और उसके अलावा दिन में 3 बार नहाने वाला, तीन बार नहाता भी था दिन में वो, है ना। और है ना, अपने हेयर स्टाइल बिल्कुल, तेल लगाता था चमेली का अपने सिर पे, है ना, और बहुत अच्छे ढंग से अपने बालों को सेट करता था, है ना, और भगवान की आरती भी करता था, बहुत अच्छा काकरोच था, है ना। उसकी मम्मी उससे बहुत खुश रहती थी, और पापा तो उसको उसको मतलब उस पर जान छिड़कते थे, है ना। बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा काकरोच था। तो वो जो वो एक गांव में रहता था, गांव में आपको पता ही होता है कि गांव में ना ज्यादा लोग जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, मतलब लोगों के अंदर मैं और मैं, ये मेरा है ना, मैं और मेरा की भावना ज्यादा नहीं होती, सिंपल होती है ना, दूसरे के दुख को समझने वाले होते हैं, है ना, सहनशील होते हैं। दूसरे को दुख को समझने वाले होते हैं, सहनशील होते हैं, सरल होते हैं, सौम्य होते हैं। तो वो भी ऐसे ही था। तो उसके मम्मी पापा कहते थे कि ये बड़ा होकर हमारा नाम करेगा, है ना, और पापा कहते हैं कि भाई ऐसा काम करेगा, ठीक है। तो उनका घर, उनके घर के बाहर रोड जो थी ना वो बहुत कच्ची थी, वो पैदल ही स्कूल जाता था, और कभी उसने ये नहीं कहा कि मम्मी मेरे को वो 15,000 वाली साइकिल दिलवा दो, इसमें मोटे मोटे टायर लगे होते हैं। तो काकरोच की जो बहन थी ना, एक उसकी मतलब मौसी की लड़की, वो भी उसके घर पे आई हुई थी पढ़ने के लिए, वो छिपकली थी, है ना। तो वो भी जैसे वो काकरोच उससे उम्र में बड़ा था, तो वो छिपकली जो थी उसकी सारी, वो भी उसकी सारी बात मानती थी, है ना। वो भी कभी उसको ये नहीं कहती थी, भैया आप तो क्या हो, बाकी सब लोग तो कारों पे घूम रहे हैं, आप साइकिल नहीं ले सकते, है ना, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहती थी। दोनों भाई बहन बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही अच्छे थे, है ना। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार उसके पापा ने कहा कि बेटे जरा क्या नाम है, स्कूल में ना कई गंदे बच्चे भी होते हैं, उन उनके उनके साथ ज्यादा बात मत करा करो, और ज्यादा टीवी मत देखा करो, आजकल टीवी पे ना बहुत बेकार चीजें आती हैं, वो मत देखा करो, है ना। इंटेलिजेंट बहुत था काकरोच, इंटेलिजेंट बहुत था, मतलब बहुत बुद्धि दी थी भगवान ने, अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, है ना, और जो था खेल कूद में भी नंबर वन था। तो पापा ने कहा भाई आप संभल के रहो, टीवी मत देखा करो ज्यादा, है ना, और वीडियो गेम मत खेला करो, आजकल गेम्स आ गए हैं ना, कौन कौन से गेम है, एक तो जैसे पबजी है, या फिर फ्री फायर है, और इस तरह, इस है ना, इस तरह के गेम होते हैं ना, आपको आपको टेंपल पता ही होगा, है ना, तो रन टेंपल रन, है ना, तो इस तरह के अब बहुत सारे देखा गेम पर हैं। रोजी पबजी क्या? सबवे सफर्स हाँ ठीक है, ठीक है, सबवे सफर जो भी है, तो ऐसे गेम्स को खेलोगे तो सफर सफर करना पड़ेगा आपको, नर्क की यातनाएं सफर करनी पड़ेंगी, पापा कहते थे उनके, है ना। तो पापा कहते थे कि ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना कभी, जो इस तरह के गेम खेलते हैं, इस तरह की मूवीज देखते हैं। लेकिन वो बेचारा भोला भाला गांव का लड़का, है ना, शिखा भी रखी हुई थी उसने, जैसे काकरोच को देखते देखते होंगे ना, थोड़े थोड़े बाल वाल होते हैं ना, तो उसने बालों को घुमा के शिखा बना रखी थी, है ना। तो वो लेकिन क्या हुआ कि जब उसने गंदे बच्चों को देखा ये सब करते हुए, क्या सब करते हुए, पबजी खेलते हुए, फ्री फायर खेलते हुए, तो उसका भी मन करने लगा, है ना। उसने सोचा देखो मैं इतने नियम कानून का पालन क्यों करूं, जब वो खेल सकते हैं, है ना, और वो भी तो उनके माँ बाप भी तो उनको प्यार करते ही हैं, और उनको देखो सब उनके उनसे तो उनको दुनिया भी वाह वाह करती है कि देखो कितने मॉडल। पबजी का कॉल आ गया होगा इसलिए अभी हम लोग वेट करते हैं। हाँ, तो वो इतना सब कुछ उनको लोग पूछते हैं, है ना, सब कहते हैं कि देखो आज के समाज में ये सब तो होना ही चाहिए, जब सब वो आजकल के समाज के हिसाब से चल रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं,
तो मैं भी एक बार खेल ही लेता हूँ। तो उसने क्या करा, वो उन लड़कों के साथ जाके बैठ गया और उसने पबजी खेलना शुरू करा, फ्री फायर खेलना शुरू करा। और फिर जैसे खेलना धीरे धीरे उसने शुरू करा, तो एक समय ऐसा आया कि उसको इन गेम्स की लत लग गई, है ना। अब उसको सारे गेम्स के नाम याद थे। वो क्लास में पूछा जाता था कि गेम्स कौन कौन से होते हैं ना, फटाफट बताता था वो। और पूछा जाता था कि आप श्लोक बताओ, तो श्लोक उसके मुंह से निकलते ही नहीं थे, उसका मुंह चुप हो बंद हो जाता था, एकदम सन्नाटा, 0/0 सन्नाटा हो जाता था। उसको मदहोशी छाने लग जाती थी, वो बेहोश हो जाता था। कई बार उसको हॉस्पिटल भी लेके गए थे, है ना। तो लेकिन जब कहते थे कि भाई गेम्स के नाम बताओ, तो वो फटाफट एकदम, जैसे वेटर जो है सब्जियों के नाम बताता है ना, होटल में जाते हैं जब हम, तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ आलू मटर, आलू पनीर, और पता नहीं कौन कौन से नाम होते हैं, दाल शाही मखनी, पनीर, शाही शाही पनीर, पनीर, कढ़ाई दाल मखनी, कढ़ाई तंदूरी पनीर, तंदूरी रोटी, रोटी, हाँ ये सब बहुत सारे नाम थे। वो फटाफट ऐसे ऐसे नाम बताता था गेम्स के। पिज्जा जी टर्मिनल। जी हो गया हो गया हो गया, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से वो गेम्स के नाम बताता था। तो उसके दिमाग में गेम्स बैठ गए, है ना, गेम्स बैठ गए उसके दिमाग में, बैठ गया कि ये जो क्लास होती है ना, ये सब तो बेकार है, गेम्स खेलने चाहिए, है ना, ठीक है। तो उसने धीरे धीरे क्या करा, क्लास के अटेंड करनी भी बंद कर दी और गंदे बच्चों का संग करने लगा, गेम्स खेलने लगा, टीवी देखने लगा, है ना, और अपनी मर्जी का मालिक हो गया। अब वो अपने माता पिता का कहना नहीं मानता था, लेकिन उसके माँ बाप, वो अपने ये सारे काम करता था अपने माँ बाप से छुप के करता था। तो अब क्या हुआ, उसने सोचा कि अगर मैं, देखो मेरे माँ बाप तो बार बार मना करते हैं और मैं क्या करूं, है ना, तो कब वो दिन आएगा जब मैं अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालूंगा और इस घर पे अकेला बैठ के पबजी खेलूंगा, फ्री फायर खेलूंगा, कब वो दिन आएगा, वो प्रार्थना करने लगा, है ना। तो वो दिन भी आया, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा हो गया, सारी गंदी आदतें आ गई उसके अंदर, छुप छुप के करता था, सिगरेट भी पीता था, शराब भी पीता था, है ना, माला वाला सब उसने तिजोरी में बंद करके ताला लगा के रख दी, है ना। सोचा कि ये सब चीजें तो बेकार की चीजें होती हैं, इससे तो कोई फायदा होता नहीं है, है ना, तो इनको हम तिजोरी में बंद कर देते हैं, है ना। तो जब वो बड़ा हुआ तो उसने, अब फिर जो उसने गेम्स में देखा था, जो टीवी सीरियल्स में उसने देखा था, तो उसने वैसा ही करा। उसने सोचा कि देखो आजकल हम अकेले रहेंगे, अकेले रहने में बहुत आनंद है, कोई हमें पूछने वाला नहीं होगा, कोई हमें डांटने वाला नहीं होगा, है ना, क्योंकि जब कोई उसे डांटता था तो उसका मुंह सूज जाता था। तो कहता था कि मैं अब इस घर का मालिक हूँ, है ना, और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, है ना, और अब मैं अपने माँ बाप को घर से निकाल दूंगा। तो उसने कुछ प्लान बनाया और अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, उसको अपने माँ बाप को वो वृद्धाश्रम में छोड़ आया, है ना, वृद्धाश्रम में छोड़ाया और अकेले बैठ के पूरा दिन पबजी खेलता था। उसकी पत्नी भी थी ना, वो भी पबजी चैंपियन थी, उसने जिससे शादी करी थी ना, वो भी पबजी चैंपियन थी, है ना। तो है ना, दोनों बैठ के खेलते थे, पबजी और फ्री फायर दोनों लगे रहते थे, है ना। तो है ना, उनके छोटे छोटे बच्चे होते थे, कॉकरोच के तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा ना, किचन में होते हैं ना कॉकरोच, उनके कई सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो उनके 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 बच्चे हुए, 100 बच्चे हुए, है ना, तो 100 बच्चे हुए, सबको उन्होंने रोल नंबर दे दिए, है ना। तो वो रोल नंबर से बुलाते थे अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे इतने सारे थे कि भाई एक नाम बोलेंगे तो बहुत दिन लग जाएगा, है ना। तो वे नंबर, सबके रोल नंबर थे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। लेकिन लेकिन जो उनका जो सबसे लास्ट बच्चा था ना, लास्ट बच्चा, तो वो जब हुआ, जब सबसे लास्ट वाला जो बच्चा हुआ, तो उन्होंने जो था उसका नाम रखा कृष्णा। जो लास्ट के 2 बच्चे हुए ना, उनके उनके नाम क्या रखे, एक का नाम हरे रखा और एक का नाम कृष्णा रखा, तो यानी कि हरे कृष्णा, है ना। तो अब तो वो क्यों रखा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम, अब हमारी उम्र हो चली है, तो हम जो लास्ट के 2 बच्चे हैं उनका नाम हरे कृष्णा रख देते हैं। पंडितों ने कहा था कि भाई तुमने बहुत, तुम इनका नाम हरे कृष्णा रख दो, छोटे मतलब सब 99वें रोल नंबर जिनका है उनका नाम रख दो हरे, और जिसका 100वां रोल नंबर है उसका नाम रख दो कृष्णा। तो उसने हरे कृष्णा नाम रख दिया। फिर एक बार क्या हुआ कि ना, वक्त का कुछ पता नहीं लगता, एक दिन कोरोना फैल गया, है ना, कोरोना फैल गया। अब सब सब लोगों को कहा गया कि मास्क पहन के रहा करो,
तो काकरोच जो था वो तो शुरू से किसी की सुनता नहीं था, उसने कहा मैं तो मास्क नहीं पहनूंगा, वो अपने मूछों पे ताव देता था, मूछों पे ताव देते हैं ना जैसे गांव के लोग मूछों पे ताव देते हैं, तो वो मुंह पे ताव देता था ऐसे, है ना, बड़ी 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 मूछें थी उसकी, कहता था मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरी रस्सी जल चुकी है लेकिन मेरा बल नहीं गया, है ना, मेरी रस्सी जल चुकी है लेकिन मेरा बल नहीं गया, और हम हैं और बाकी सब में पानी कम है, ऐसा सोचता था। और सारे बच्चे पापा कहते थे पापा जी पापा जी पापा जी, है ना, पापा जी पापा जी ने अपनी पूरी धाक बना रखी थी बच्चों के आगे, है ना, और बच्चे भी एक नंबर के फर्राट थे, पापा जी कहते थे, और पापा के पीछे ना पापा की सारी जितने भी रकम थी, जितने भी पापा ने कमाया था वो सब उड़ा देते थे। तो पापा जी को कोरोना हो गया, पापा जी किसी की सुनते थे नहीं, उनको कोरोना हो गया, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। तो हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा देखो इनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो 60 है, तो अभी ये जाने वाले हैं, अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ये जाने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ कि भाई अब ये जाने वाले हैं, अब क्या होगा क्या होगा, है ना, तो सब बच्चे आ गए, पापा के एक कोई बच्चा उनके पाँव पकड़ने लगा, कोई पीठ पकड़ने लगा, मतलब पूरे पूरे प्रिकॉशन के साथ आए थे, उन्होंने वो स्पेस सूट पहन रखा था, स्पेस सूट होता है ना जिसने लोग एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो ऊपर जाते हैं ना, पता होगा आपको, है ना यस राघव? सर, यस मैम, नहीं बताया जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, यस प्रभु जी, उसमें सूट ऐसा होता है जैसे अगर वो किसी गर्म प्लेनेट के पास जाते हैं तो वो अंदर से वो ठंडा हो जाता है, और अगर किसी ठंडे प्लेनेट के पास जाते हैं तो गर्म हो जाता है। हाँ, तो सारे जो छोटे छोटे काकरोच थे ना वो स्पेस सूट पहन के पापा के पास आए, तो पापा से कहने के पापा जल्दी से साइन कर दो, ये जायदाद हमारी होनी चाहिए, है ना, आप तो जाने ही वाले हो, तो पापा पापा से उन्होंने सबके सामने साइन करवा लिए, है ना। फिर कहने के पापा, फिर सबने सबने पापा को बहुत चिढ़ाया कि पापा हम तो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, कब आप साइन करो और कब आप ऊपर जाओ और हम मजे लेंगे, है ना। तो पापा को बहुत धक्का लगा ये सुन के, और पापा ने जब ये सुना, पापा ने जब ये सुना ना, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जी के क्या करूंगा, अब तो मेरे को मर जाना चाहिए। और तभी तभी क्या हुआ, तभी क्या हुआ, उनके जो दो छोटे बच्चे थे ना, जो जिनका नाम था हरे और कृष्णा, वो उनसे मिलने आए। अब वो बेचारे छोटे छोटे थे, तो उसने ना ऐसे ही मतलब हरे कृष्णा जैसे प्रभु जी, हरे कृष्णा, अभी सुनिए सुनिए, तो लास्ट में उसके दंड प्रणाम प्रभु। तो उस दो दो बच्चे जो लास्ट के बच्चे थे ना, एक एक का रोल नंबर 99 था और एक का नंबर 100 था, तो उन एक का नाम हरे था और एक का नाम कृष्णा था, तो वो लास्ट में आए। अब उस पापा ने सोचा कि देखो मेरे 97 बच्चे साइन करवा के ले गए हैं, अब ये कमबख्त आ गए हैं, इन्हीं की कसर पूरी, बस यही रह गई थी कसर, इन्हीं की कसर थी, ये भी आ गए हैं। 98 हाँ, तो इन्हीं की हाँ, 98 बच्चे साइन करवा के ले गए हैं, और 99 और 100 नंबर वाले रोल नंबर वाले बच्चे अब आए हैं, और इन्हीं की कसर रह गई थी। तो जैसे ही वो आए, और जबकि वो पैसे मांगने नहीं आए थे, वो तो बेचारे छोटे थे अभी, उनको उन्होंने दुनिया नहीं देखी, तो जैसे ही वो आए ना, तो इसने बड़े मतलब इसकी सांस जाने वाली थी, इसको हार्ट अटैक आ गया एकदम देखकर, और इसने जाते जाते बोला हरे कृष्णा, मतलब हरे कृष्णा मतलब जैसे कहते हैं ना कि मेरे दुखी हो जाता है ना आदमी, अरे तोबा अरे राम, है ना, ये है ना। तो उसने उन्हें क्या उसने क्या बोला, हरे कृष्णा, उनको देख के हरे कृष्णा, इन्हीं की कमी रह गई थी, ये भी आ गए कमबख्त, है ना। तो जैसे ही ऐसे बोला उसकी सांस छूट गई, और उसको लेने के लिए जो है कौन आया, कौन आया उसको लेने के लिए, यमदूत, यमदूत, हाँ विष्णु दूत, विष्णु, हाँ, तो उनको उसको लेने के लिए विष्णु दूत आए। तो विष्णु दूतों ने क्या कहा उससे कि देखो तुमने वैसे तो बहुत पाप करे थे, लेकिन तुमने अंत में हरे कृष्णा नाम बोला है ना, और तुम पहले भी भक्त थे, है ना, इसलिए हम तुम्हें एक चांस और देते हैं, तुम्हें एक चांस और देते हैं सुधरने का, हम तुम्हारे प्राण जो है तुम्हारे शरीर के अंदर वापस डाल देंगे, और अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी तुमने गेम खेलना बंद नहीं करा, अभी भी तुमने पबजी और फ्री फायर खेलना बंद नहीं करा, अभी भी तुमने गलत बच्चों का संग करना बंद नहीं करा, और अपना मन जो है भगवान की भक्ति में नहीं लगाया, तो ये एक मौका हम तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहे हैं
क्योंकि तुमने शुरू में क्या करा था, आईवाइफ क्लासेस अटेंड करी थी, डिवाइस सेशन अटेंड करे थे, जूम पे मॉर्निंग सेशन अटेंड करा था जिसमें हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी गौर कथा सुनाते थे, तो तुमने एक बार अटेंड करा था, उसमें पॉइंट भी शेयर करे थे तुमने, है ना। तो इसलिए हम तुम्हें ये मौका दे रहे हैं, लेकिन अगर तुम अभी भी नहीं सुधरोगे तो उसके बाद हम तुम्हें दूसरा मौका नहीं देंगे, और बहुत खतरनाक यमदूत आएंगे और वो तुम्हें चीर फाड़ देंगे, है ना। तो उसने उसको उसको बड़ा अफसोस हुआ कि देखो मैंने मैंने क्या कर दिया, है ना, ये मैंने क्या कर दिया, और मैंने मेरे पास कितना सब कुछ था, मेरे पास इतने अच्छे माँ बाप थे और इतने अच्छे मित्र थे मेरे, और मैं इतना अच्छा बच्चा था, लेकिन ये फ्री फायर खेल के, ये पबजी खेल के, है ना, और भक्तों के संग को त्याग कर मैंने अपना नुकसान करा है। तो अब मैं आगे से कसम खाता हूँ कि मैं अपनी जीवन को, ये जो मनुष्य जीवन भगवान ने मेरे को दिया है जो कि बहुत ही दुर्लभ है और जो कि कई कई जन्मों के पुण्य कर्म करने के बाद प्राप्त होता है, अगर मैं जन्म में भगवान का नाम नहीं ले पाया तो मेरे को मेरा कितना नुकसान होगा। तो मैं ये कसम खाता हूँ कि आगे से मैं इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और डेली क्लास अटेंड करूंगा और डेली भगवान के नाम का जप करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने भी खुश उसको रियलाइज हुआ, उसको रियलाइज हुआ, नहीं फ्री फायर नहीं, उसने उसने ये उसे ये रियलाइज हुआ कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा मन, जो मुझे उकसाता है फ्री फायर खेलने के लिए, जो मुझे उकसाता है पबजी खेलने के लिए, जो मुझे उकसाता है टीवी देखने के लिए, जो मेरे को उकसाता है क्लास बंक करने के लिए। तो अब मैं अपने मन को कंट्रोल करूंगा और अपने समय का सदुपयोग करूंगा भक्तों का संग करने में और माला करने में, है ना। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मैं निधि प्रभु से हम अनुरोध करेंगे कि वो अपना पॉइंट और रियलाइजेशन कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। तो जैसे इस स्टोरी में ये था कि इसका जो मेन एंड में जैसे उसने हरे और कृष्णा भले भगवान का नाम लिए, भगवान को ध्यान में रख के बिना लिया हो, लेकिन क्योंकि भगवान के नाम में इतनी ताकत होती है कि उसको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी लिया जाए तो वो आपको फल देता है। और उसने ये नाम लिया और उसी की वजह से और उसके पूर्व कर्मों की वजह से उसको एक और मौका मिला खुद की गलतियों को सुधारने का, बुरे संग से दूर जाने का और भक्ति करने का। और दूसरा ये कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ना ही वो चीज होती है जो हमें बुरा बनाती है, जैसे गेम्स, ना ही मीट ईटिंग, ये सब नहीं होता। हमारा मेन दुश्मन वो होता है जो हमें ये सब करने पे उकसाता है, या जैसे जिसके हम कहने में या जिसकी बात हम मान के करते हैं, यानी हमें अपने संगत जो होती है, जो हमारा संग होता है, वो भी सोच समझ के चुनना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से हम अच्छे रास्ते पे जाते हैं या बुरे रास्ते में, क्योंकि संगत का असर बहुत बड़े स्केल पर। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हम यहाँ पे हरि बोल के साथ अभय चरण प्रभु जी को बोलेंगे अपना वीडियो ऑन करने के लिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो अभय चरण प्रभु ने आज स्टोरी मिस कर दी, कोई बात नहीं, बाकी इनको हम बाद में सुना देंगे, ठीक है। तो अभी ये आराम कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, है ना, ये उठते हैं फिर प्रसादम पाते हैं फिर सो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो इनसे हम इनसे बाद में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और कोई भक्त जो शेयर करना चाहते हैं। प्रभु जी छुट्टिया। यस बोलिए। प्रभु जी, स्टोरी से पता चलता है कि जैसा संगत वैसे ही काम, जैसे उसने बुरे लोगों का संगत किया तो फिर उस लास्ट में वो पछताया भी, और वो स्टार्टिंग में क्लासेस करता था, आईवीएफ क्लासेस, और उसने लास्ट में हरे कृष्णा भी कह ही दिया। तो अब यही
मन में रख के अगर बोला जाए तो, अगर ये पूरा अपना ये पूरा जीवन इसी में निकाल देते तो कितना अच्छा होता। क्योंकि ये पबजी और फ्री फायर खेलने से को हमें कुछ मिल नहीं जाएगा, लेकिन भक्ति करने से हमें इतना बड़ा चीज मिल जाएगा, भगवान जी। हाँ हरी बोल। और जो वो सारे मतलब ही बच्चे थे वैसा भी हमें नहीं बनना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जन्मत हरी बोल। चलो बहुत बोल अच्छा, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी बात प्रभु जी, है कहना ना। ठीक चाहते प्रभु ठीक है। उज्जवल आप बोलिए, जी। मैं हूँ राघव। हरी अभी अभी बोले, बोल अभी बोलना प्रभु उज्जवल के बाद। बोलिए उज्जवल, उज्जवल बोलिए। प्रभु जी, प्रभु जी से पता चलता है कि प्रभु जी हमें कृष्ण जी की भक्ति करनी चाहिए। उसने शुरू में भक्ति करी, इसलिए उसको, वो भक्ति नहीं करता तो तब भी मौका नहीं मिल पाता। हरी बोल। आपकी आवाज भी थोड़ी कटनी शुरू हो गई है। हरी बोल प्रभु, आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो ये समझ गए हम कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, जो आप कहना चाहते हो। ठीक है ना श्रेष्ठ प्रभु, बताइए। अच्छा हाँ उज्जवल, हाँ राघव प्रभु को बोलने देते हैं। राघव बताइए। जैसे कहते हैं ना कि जैसा चुनोगे संग वैसा होगा ढंग। मतलब जैसा हम संग चुनेंगे वैसे ही हमारा ढंग होगा। अगर हम अच्छी संगति चुनेंगे तो हमारा अच्छा ढंग होगा, और अगर बुरी संगति चुनेंगे तो हमारा बुरा ढंग होगा। इससे पता चलता है हमें अच्छी संगति चुननी चाहिए। जी बहुत अच्छा। हरे कृष्ण, हरी बोल। बोल अब लास्ट जो है श्रेष्ठ प्रभु बताइए। जी, इसमें इस स्टोरी में बताया गया है कि मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और इसमें ये बताया गया है कि जो कॉकरोच था उसने पहले तो अच्छे लोगों की संगत की थी तो फिर वो अच्छा था, लेकिन तब उसने गंदे लोगों की संगत की तो फिर वो गंदा हो गया। तो फिर इससे पता चलता है कि हम जैसे संगत करते वैसे ही हम पर उसका असर होता है। इसलिए हमें अच्छी संगत करना चाहिए, लेकिन अगर हम बुरी संगत करेंगे तो हमारे अंदर बुरी आदतें प्रकट होंगी। हरे हरी कृष्ण बोल, हरी बोल, हरी बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे कुछ और भी बताना है। हरी बोल, हरी बोल, अभी बाद में प्रभु, अभी मैं थोड़ा सा कुछ बताना हरी चाहता हूँ बोल, मुझे, उसके बाद बोलना आप। ठीक हरे है। प्रभु। देखिए हमारे साथ भक्ति के अंदर भी ऐसा ही होता है, जब हम भक्ति करने आते हैं ना, भक्ति में आते हैं, तो शुरू शुरू में हमारा इंटरेस्ट रहता है माला करने के लिए, है ना। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती, लेकिन जब पता लग जाती हैं तो हम सोचते हैं कि इससे ज्यादा जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है, और सब कुछ ठीक ही चल रहा है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो इससे ज्यादा जान के हम करेंगे क्या? यही सब कुछ होता है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ABCD, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डाइट, यानी कि प्रसादम, है ना। थोड़ा बहुत कीर्तन, मतलब कीर्तन वीर्तन कर लिया, है ना, थोड़ा थोड़ा सा, कभी मन किया तो क्लास अटेंड कर ली, कभी मन किया तो नहीं कर ली। बाकी सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो साथ साथ चलाते रहेंगे, है ना। तो इस तो धीरे धीरे तो शुरू शुरू में हमारा इंटरेस्ट रहता है सारी ये, मतलब हमारा भक्ति के अंदर, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। हमारी अंदर जितना ये इंटरेस्ट होता है, जितना थोड़ा बहुत भक्तों के संग से आया होता है ना, तो शुरू में भगवान की कृपा होती है कि हमारा इंटरेस्ट भक्ति में बना रहता है, जैसे कि हमारा मन करता है चैंटिंग करने का, लेकिन कुछ समय बाद भगवान इस कृपा को खींच लेते हैं, फिर हमारा मन उचाट होने लगता है। हम सोचते हैं कि हम भक्ति ज्यादा करके क्या करेंगे, हम फुटबॉल खेलते हैं, या हम बैट बॉल खेलते हैं, या हम कबड्डी खेलते हैं, या फिर हम पबजी खेलते हैं, या फिर हम फ्री फायर खेलते हैं, उसमें हम ध्यान देते हैं। भक्ति तो ठीक है, अब समझ में आ गया, आ गया, जब तक नहीं आ रहा था तो ठीक है, अब समझ में आ गया, जब टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे, तो हमारा ऐसा विचार बनता है। और तो हमारा ऐसा विचार क्यों बनता है? क्योंकि भगवान हमारा टेस्ट लेते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम अपने पांव पे खुद खड़े हों।
जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके माँ बाप जब वो चलना नहीं सीखता तो उसको उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाते हैं, और जब वो चलना सीख जाता है तो जब वो गिरता है तो फिर माँ बाप उसकी ज्यादा हेल्प नहीं करते, वो खुद ही उठता है, खुद ही उठता है, क्योंकि उसको चलना तो सिखा दिया ना। हाँ चोट लग जाती है तो उसकी पट्टी कर देते हैं, है ना, लेकिन उसे चलना तो खुद ही होता है, माँ बाप तो उसकी जगह चलेंगे नहीं। तो उसी तरीके से जब हम भक्ति में आते हैं हमें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे माया के प्रभाव के कारण हमारे विचार बदल जाते हैं, थोड़ा सा हम गलत संग कर लेते हैं, थोड़ा सा हम चीजों को निग्लेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें इसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और ऐसे इस परिणाम ये भुगतना पड़ता है कि हम जो है जिस चीज में हमारा पहले इंटरेस्ट आ रहा था उस चीज में हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब हमारा माला करने में इंटरेस्ट नहीं रहता, हमारा लेक्चर सुनने में इंटरेस्ट नहीं रहता, हमारा क्लास अटेंड करने में इंटरेस्ट नहीं रहता, और हम जहां से आए थे जिस जीरो से हमने स्टार्ट करा था हम वापस घूम फिर के जीरो हो जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, और सावधान रहना चाहिए, और सावधान रहने का मतलब यह है कि हमें गलत चीजों से बचना चाहिए, और साथ साथ भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे माला भले ही कम कर दो लेकिन भक्तों का संग मत छोड़ो। देखो अगर भक्तों के संग छोड़ दिया तो आप जो जितनी माला भी कर रहे हो आप माला कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा लेवल अभी इतना ऊपर नहीं है। इसलिए भक्तों का संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कुछ चीजें रिपीट भी होती हैं, मान लो कई बार हमें फिर वही चीज जन्म मृत्यु जरा व्याधि वही माला करना वही कीर्तन, अगर कोई चीजें रिपीट भी होती हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए हम इन चीजों से दूर ना भागें, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें आनंद दे सकती हैं। अगर हम इन चीजों से दूर भाग जाएंगे ना तो हमने जितना भी कुछ पाया है ना वो हम सब खो बैठेंगे, ठीक है। और हमेशा सरल बन के रहना, सरल बन इन द सेंस मतलब जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होता है जितना ज्ञान बढ़ेगा उतनी विनम्रता बढ़ेगी। विनम्रता समझते हो क्या होती है? विनम्रता क्या होती है श्रेष्ठ, वो बताओ विनम्रता क्या होती है प्रभु जी? विनम्रता मतलब विनम्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं निधि प्रभु? प्रभु जी शायद पोलाइटनेस कहते हैं। पोलाइट कहते हैं शायद। अच्छा, और ठीक है जो भी है, पोलाइटनेस हम्बलनेस ये आपके अंदर बढ़ेगी, ठीक है ना? हाँ, तो मतलब ये आप हमेशा जो व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है मतलब पोलाइट रहता है जो भी, जैसे अनिधि प्रभु ने बोला, तो क्या होता है कि भगवान ऐसे व्यक्ति से बहुत खुश होते हैं, है ना? ऐसे व्यक्ति को देख के भगवान बहुत खुश होते हैं भले ही उसके अंदर बहुत सारी कमियां हों। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आ गया अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो वो ज्ञान हमें खत्म कर देता है। इसलिए जो वास्तविक ज्ञानी होता है उसके अंदर हमेशा विनम्रता का भाव बना रहता है, हमेशा वो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है और हमेशा अपने आप के अंदर ही कमियां ढूंढता है। वो ये सोचता है कि मेरे अंदर ही कमियां बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो अगर आप भक्ति के अंदर प्रोग्रेस करना चाहते हो तो हमेशा यही सोचो कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं और मुझे हमेशा विनम्र भाव से सरल तरीके से अपनी कमियों को अपने सीनियर के सामने बताना है और अपने आप को सुधारना है, तभी मैं भक्ति के अंदर आगे एडवांस कर पाऊंगा। यस प्रभु जी, प्रभु जी ये सुंदर गोपाल प्रभु जी कृष्ण बलराम कथा में भी बता रहे थे। अच्छा, हरि बोल। कि प्रभु जी हम मानते नहीं है, हरि बोल। हम मानते नहीं है, हाँ सुंदर गोपाल प्रभु जी बता रहे थे कि हम जो है हम मानते नहीं है कि हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर दोष हैं। कृष्ण बलराम रथ राधिकथा का पहला नृत्य राधिकथा प्रभु जी ने लिया था, उसमें भी उन्होंने बताया था कि
सबसे गलती यही है कि हम लोग अपनी गलती को मानते नहीं है। हाँ, गलती को मानते नहीं है ना, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये देखिए, सब सब आप खुद देखिएगा क्या उनके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, और सुधार, वो सुधार एक करने का एक ही तरीका है कि भक्तों के संग में रहो, और जो आपसे सीनियर हैं उनके सामने आप अपनी गलतियों को बताओ, और अगर बताओगे तो वो आपको उपाय बताएंगे, ठीक है ना। तो हमेशा इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत आप धन्यवाद, आपने स्टोरी सुनी और आपने बहुत अच्छे मैं पॉइंट्स, बोलूं बहुत अच्छे पॉइंट्स शेयर करें। यस प्रभु बताइए। जैसे उस कहानी में उस कॉकरोच ने कॉकरोच को बचपन से ही परिश्रम करना पड़ा था भक्ति में जुड़ने के लिए। तो जो भक्ति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, तो वो हमें बहुत टाइम लेती है आने में। लेकिन जैसे उसने एक बार झलक करी इस गेम बुरी संगति की, तो वो उसे एकदम से ही चढ़ गई। लेकिन भक्ति को हमें बहुत बारी मतलब करना पड़ता है। हाँ, बहुत बहुत बार करना पड़ता है, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। देखिए, ये जो संसार है, इस संसार को भगवान ने इस तरीके से डिजाइन करा है कि इसमें, इस संसार में अगर आप कोई गलत चीज करोगे ना, तो उसके अंदर उसके लिए आपको ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर आप छत से कूदते हो, तो छत से कूदना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जैसे आप 100 मंजिल, 100 मंजिल बिल्डिंग है, और 100 मंजिल बिल्डिंग से कूदना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, उछल गए, गिर गए, है ना, आसान काम है ना। उछल गए आप, मतलब 100 मंजिल पे चढ़े और उछल गए, तो आपको कोई जोड़ थोड़ी लगाना पड़ रहा है, आप उछले और सीधे नीचे गिरोगे आके, है ना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि उस 100 मंजिल पे चढ़ना है, तो चढ़ने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि बहुत परिश्रम करना पड़ेगा ना, है ना। तो उसी प्रकार इस संसार में पाप करना बहुत आसान है, और लेकिन पाप को अच्छा, सुधारना बहुत मुश्किल है। पर अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जो अच्छा इंसान बनना चाहता है, उसको भक्ति करना बहुत जरूरी है, और ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम भक्ति कर पा रहे हैं, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट कृष्णा बुक स्टार्ट करते हैं।